फाइल करने के लिए यूज किया जाता है। कब किया जाता है? जब आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन, तो नॉर्मलिटी के थ्रू जो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा था नंबर ऑफ ग्राम। अब यहां पे आप लोगों के सामने समस्या क्या आ गई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। मैं इसकी यूनिट छोड़ के बताऊंगा। हाँ सॉरी, क्या बोले? ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसकी यूनिट बताऊंगा जस्ट अभी। पहले आपको एक बार फॉर्मूला बता दूं, फिर आपको याद रखने का तरीका बता दूं। ये इसका फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, एन इक्वल टू, ताकि कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अभी याद करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। हाँ मोनिका बोलिए। ओके, अब यहां पे आपके सामने समस्या क्या है कि आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, तो यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होता है वो गिवन मास या वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट आपको नहीं पता, वैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या एक्स फैक्टर। अब आप लोगों को एन फैक्टर नहीं निकालने आता, तो सबसे पहले हम लोग यहां तक याद रखने का एक तरीका ढूंढते हैं कि कैसे हम लोग जो है इन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा कि बस आपको ये याद रख लेना है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बस आप इतना से याद रख लोगे। बोलिए। यस सर। यानी क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बस इतना से याद रखना, नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आगे की कहानी सुनिए। आप सभी को मोल का फॉर्मूला पता है? बोलिए क्या होता है? यस सर। वेट ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास? वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास? क्योंकि सर आप वहां पे तो लिखते थे, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने सॉल्यूट लिख दिया। वहां पे एटम मॉलिक्यूल जो भी लिखते थे वहां पे उस हिसाब से लिखते थे। अब देखिए क्या करना है कि जो ऊपर में लिखा है ना उसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये वाले को पहले हमने लिख दिया और फिर इक्विवेलेंट वेट को हमने यहाँ लिख दिया। फिर इक्विवेलेंट वेट नहीं पता तो यहाँ लिख दिया और इस मोलर मास को ऊपर लिख दिया और नीचे में क्या लिख दिया? एन फैक्टर लिख दिया। अब एन फैक्टर जो होगा वो कैसे निकाला जाता है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एन फैक्टर को हम लोग 3 टाइप से निकाल सकते हैं। जो एन फैक्टर है वो कितने टाइप से निकाल सकते हैं? तीन टाइप से। एक एसिड के लिए निकालेंगे, दूसरा बेस के लिए निकालेंगे,
तीसरा कंपाउंड के लिए निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे नंबर ऑफ एच प्लस आयन दिखेगा और यहां पे क्या दिखेगा, नंबर ऑफ ओ एच माइनस दिखेगा और यहां पे क्या दिखेगा, ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा। अब मैं एक एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे HCl है तो HCl में H कितने हैं सर? वन। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? वन। मैं पूछूं H2SO4 में बताइए कितना N होगा? टू। मैं आपसे पूछ लूं H3PO4 में बताइए? तो थ्री। ठीक है, यानी कि N की जो वैल्यू है वो एसिड के लिए आप नंबर ऑफ H प्लस देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उसका जो है कितना है। बट समटाइम्स अगर वो वीक एसिड है तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, तब उस केस में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बेस के लिए एन ओ एच, इसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगा। मैं कहूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एन की वैल्यू कितनी है? टू। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें कितना है? थ्री। यानी किस प्रकार? थ्री। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें ना तो सीएल हो ना ओ एच हो, यानी कि जैसे मैं कहूं आप सभी के लिए कोई भी एक ले लेता हूं MgSO4। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर है पॉजिटिव या तो ओवरऑल पे नेगेटिव, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा। ठीक है, तो आपको जो भी दिखे तो वही क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर ही जो है एन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस टू है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। पहले मैं एक पेज ऐड करके क्वेश्चन से समझाता हूं। फाइंड द मोलारिटी, सॉरी नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मलिटी ऑफ कितना दे दे जो कट जाए आप लोगों के लिए, ऑफ एच सी एल। ठीक है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 109.5 ग्राम ऑफ एच सी एल। तो आप सभी को क्या करना है? हाँ बोलिए, किसी को डाउट है, रिजाइन किए हैं सुमन? ओके चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले ना नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। आप सभी को नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता है? यस सर। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें क्या पता नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी नहीं पता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
लीटर इसका दे देते हैं ब्रैकेट में इन टू लीटर, क्योंकि बिना वॉल्यूम के नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बाय एन फैक्टर। वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर और एन फैक्टर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। हमें सबसे पहले ना बेसिक से यानी कि नीचे से सॉल्व करना। मुझे बताइए कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे से इस क्वेश्चन को, नॉर्मलिटी के क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करना। अब नॉर्मलिटी यानी कि इक्विवेलेंट वेट मोलर मास आपको पता है कितना हो जाएगा HCl का? 36.5 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या इक्विवेलेंट वेट की जगह पे ये लिख दूं 36.5? यस सर। Yes, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि 36.5 लिख दिया। और यहाँ पे आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 10.5 ग्राम। तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो अब मुझे बताइए क्या मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे 3 लिख दूं? Yes, sir. और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। तो यहाँ से वैल्यू आपको कितनी आ गई? 1.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे से धीरे धीरे चलना होगा। अगर जब आप नीचे से चलोगे तो फिर आपको जो है काफी ज्यादा जो है दिक्कत आ जाएगी। इस क्वेश्चन को ऊपर से सॉल्व नहीं करते, नीचे से यानी कि धीरे धीरे एक एक करके वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर एन फैक्टर में निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप बेसिकली देखिएगा, सबसे पहले एसिड है या बेस है या साल्ट है। अगर एसिड है तो यानी कि एच प्लस काउंट कीजिएगा। हाँ जी ठीक है। अगर OH है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जो बेस है तो OH देखिएगा, और अगर कोई कंपाउंड है तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और पॉजिटिव में देखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी इन मिक्सचर। नॉर्मलिटी इन मिक्सचर, इसके तीन केसेस बनेंगे। मैं एक समझा दूंगा, दो बाकी मैं जो है फॉर्मूला लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मिक्सचर है तो यानी कि दो कंपाउंड को मिलाना होगा, और आप सभी को फॉर्मूला पता होगा नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन नंबर ऑफ ग्राम, हाँ एन टू वी टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V1, यही वाला फॉर्मूला आपको मैंने कहा बताया था, मोलारिटी में। बस वहां पे क्या होता था, M1 की जगह पे M1। ओके, यहाँ पे हमने भी मान लिया कि कोई भी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया दो, और सेकंड में भी हमने ले लिया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्सचर का मतलब यही होता है मिक्स करना। तो हमने यहाँ पे जैसे ही क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मिक्स कर दिया तो हमारे पास जो फाइनल बन गया वो कुछ इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे जो है वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे ही बढ़ गया तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो मैंने मान लिया कि N1 है, और इसका वॉल्यूम मान लिया V1 है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 इसकी जो है नंबर इक्विवेलेंट है और वॉल्यूम कितना है V2। यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2/V2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फाइनल निकाले तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V2,
और यहाँ पे एन वन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन टू वी वन, सॉरी ये वन है तो एन वन वी वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन टू वी टू इक्वल टू एन टू। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा एन वन वी वन प्लस एन टू एन टू वी टू वी वन प्लस वी टू। ये एक केस है, क्योंकि कैसे सर, अगर आपने इसको भी एसिड लिया और इसको भी आपने एसिड लिया तब तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने इसको भी एसिड लिया, इसको भी एसिड लिया तब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर अगर ये बेस बेस भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर जो ऐसा कर दिया, जैसे मैं बता रहा हूं कि एक में आपने क्या ले लिया एसिड ले लिया और दूसरे में बेस ले लिया, और आपको पता है एसिड बेस के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। हम एसिड लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस बेस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि एसिड बेस को मिक्सचर बना दिया तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन कर जाएंगे तो इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैंने कहा एसिड ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेस ले लिया, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा यानी कि जिसकी नॉर्मलिटी ज्यादा होगी उसको आप पहले लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ एन ए और वी ए जो है ज्यादा है, तो यहाँ पे एन बी वी बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। अब किसी बच्चे के मन में आएगा सर बेस ज्यादा हो तो बेस ज्यादा होगा तो बेस वाले में माइनस करना, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। कई जगह पे मैं इसको ना ऐसे कर देता हूं कि एन ए वी ए एन बी वी बी वी ए प्लस वी बी मोड कर देता हूं। इसका मतलब है कि आप कोई भी बड़ा हो आप उसको क्या कर देना, उस वैल्यू को पॉजिटिव ले लेना। अगर आपने उस वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा जो है मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड केस जो होगा वो क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। अच्छा एक और आपको जो है ना यहाँ पे मैं ही बना देता हूं कि एक और केस होता है, वो केस का नाम क्या हो जाता है, अरे ये तुमने पेज ऐड किया तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, अगर जो मैं यहाँ पे कुछ अवंती ना लिखा रहे तो अगर जो व्हाइट पेन से लिखूं तो बता देना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा आपको बाद में दिखेगा नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल टू एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मैंने कहा कि अगर जो आपको याद ना रहे तो आप मोड के फॉर्म में याद रख लेना कि इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसको याद रख लेना। सेकेंड केस मैं यहीं पे बना देता हूं, एक और केस याद रखिएगा, जब एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू, ये फॉर्मूला कब लगाओगे जब आपको न्यूट्रल बनाना हो, ठीक है, यानी कि न्यूट्रलिटी की जब बात करेंगे नॉर्मलिटी में
तो आप जो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे, N1V1 = N2V2, यानी कि किसी को न्यूट्रल करना हो तो आप सिंपली जो है यही फॉर्मूला जो है क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, ये ध्यान रखिएगा ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, एंड मोलारिटी, इन दोनों के में क्या अंतर है या क्या रिलेशन है इस चीज को। एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जामिनर बड़ा जो है चालू होता है, वो बच्चे का समय का जो है बर्बाद करना चाहता है, वो क्या करेगा आपको जो है मोलारिटी का कुछ दे देगा और नॉर्मलिटी भी पूछेगा। तो बच्चा क्या करेगा, पहले मोलारिटी निकालेगा फिर नॉर्मलिटी निकालेगा, इस तरह से समय आपको बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम क्यों ना इसका रिलेशन निकाल लें जिससे हमें जो है काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाए। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नॉर्मलिटी को मोलारिटी से डिवाइड कर देते हैं। आप सभी को नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे में मोलारिटी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सॉल्यूशन इन लीटर। क्या इन दोनों को कटा दूं? यस। अगर तुम इसको शॉर्ट में लिखूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ngm लिख देता हूं और वॉल्यूम को भी लिख देता हूं इनटू, यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऊपर चले जाएगा तो वॉल्यूम, नीचे में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा दिया, तो वही मैंने कहा कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो है क्या कर देता हूँ, इसको जो है कटा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कटाया तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए। यस सर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट, वेरी गुड, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नीचे मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। अब देखिए ये वेट ऑफ सॉल्यूट से कटा दूं, यस सर, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ओके, और इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, मोलर मास, तो मोलर मास ही रहने देते हैं, ठीक है, और नीचे में इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर मास एन फैक्टर, और एन फैक्टर, अब ये मोलर मास कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/n, तो ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, एन, तो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा हटा के यहां लिख देता हूं, N/m इंटू एम। अब एक्चुअली यहां छोटा n लिखा रहता था, लेकिन इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना मैं यहां पे x लिख देता हूं, मतलब वही है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/m इक्वल टू ये हो जाएगा, और इसी चीज को आपको बुक में मिलेगा N=mx, जहां x क्या है नॉर्मलिटी, यहां पे n क्या है नॉर्मलिटी, मैं एक पेज ऐड करके लिख देता हूं, यहां पे हमारे लिए
एन इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स हो गया, ठीक है। और एन यहां पे क्या है, नॉर्मलिटी, और एम क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, एंड एक्स क्या है, फैक्टर है। और जिसको आप लोगों ने तीन तरीके से लिखा, या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, एन फैक्टर आपकी बुक में यहाँ पे लिखा रहेगा। अब ऐसे याद रखना कि MX प्लेयर पे हम लोग नेट, आजकल जो MX प्लेयर की जगह किसने ले लिया, नेटफ्लिक्स में ले लिया। पहले हम लोग वीडियो सेव करते रहते थे, अब जो है इसको हम कहाँ देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा, MX हो जाएगा। MX याद रख लीजिएगा, यानी कि MX प्लेयर से भी याद रख सकते हैं, MX हो जाता है। क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि M by N equal to X था, तो इसलिए आप ये याद रख लेना, MX प्लेयर से जो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन द फ्लोइंग रिएक्शन कैलकुलेट एंड फाइंड द नॉर्मलिटी व्हेन इट्स 1.0 मोलारिटी। अब देखो, मोलारिटी दे दिया है और नॉर्मलिटी पूछ लिया, तो आपके सामने रिलेशन क्या है, N इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा है किसके लिए, H3PO4 के लिए। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, H3 और यहाँ पे OH, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर जब आपने NOH के साथ रिएक्शन करा दिया, तो इसके दो ही H क्या हो रहे, पार्टिसिपेट हो रहे। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, अगर हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं दिया है, तो हमें जितना पार्टिसिपेट हो रहा है, तो यानी उसी के अनुसार से लिखना पड़ेगा। N की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.0 into X की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, यानी इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, यानी कि जो इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड इफ 25 ml ऑफ द सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन टाइट्रेटेड विद 28 ml ऑफ 0.789 KOH। यानी कि बेसिकली आपको एसिड बेस का रिएक्शन कराना है, तो एसिड बेस हमने क्या कहा था, Na इक्वल टू NaBV। अब देखिए, चलिए अभी एसिड का नॉर्मलिटी आपको नहीं दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड 25 ml, द सिट्रिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद, यानी कि किसके साथ कर रहे हो, आपको जो दिया हुआ है 0.1718, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 28.2 ml। और यहाँ पे आपको यानी कि जो है क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, और किसके टर्म में, नॉर्मलिटी के टर्म में, तो 25 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो Na इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.18 × 28.112 / 25। बड़े क्लियर है, मतलब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 25 से मैंने 28.12 को डिवाइड कर दिया, तो 25.3 सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 यानी कि 25, तो कब प्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 0.178 × 1.1, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 × 11 = 77 × 11 188। और यहाँ पे कितने हैं, हमने यहाँ पे कितना पॉइंट लिया, 1 point के बाद है 3 point, यानी कि करीब करीब जो है कितना आ जाएगा, 0.187 नॉर्मलिटी। तो इस प्रकार से आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बोले क्लियर है, मतलब हम बात करते हैं फॉर्मुलिटी, तो फॉर्मुलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको सॉल्यूशन में जो है डिटेल में पढ़ना है, 12th का एक यूनिट है सॉल्यूशन, वहां पे हम लोग जो है ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आपको वैसे यहाँ पे जो है आपको नहीं मिलेगा फॉर्मुलिटी क्या होता है, बस इतना से याद रख लीजिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मुलिटी। यानी कि जैसे नॉर्मलिटी की बात कर रहे थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलिटी की बात करेंगे। वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे,
इक्विवेलेंट वेट, जबकि यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीपीएम की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है 10^6 को 1 मिलियन कहा जाता है। आप सभी ने मोल निकाला। अब देखो हुआ क्या कि साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को कैसे निकालें। जैसे पॉल्यूशन होता है तो वहां पे लिखा रहता है 250 पार्ट्स पर मिलियन। जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन देखोगे तो कितना दिखेगा 250 जो है के पारी होता है, तो 250 ppm होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 250 सॉल्यूट है वो 10^6 में, कहोगे तो बहुत कम है, नहीं बेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा है कि वो आपके शरीर को क्या कर सकता है, यानी कि श्वसन तंत्र को डैमेज कर सकता है, क्योंकि आपका जो लंग्स का काम है वो एयर को फिल्टर करना, ना कि एयर के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल या हार्मफुल पार्टिकल को जो है रिमूव करना। वो करेगा ज्यादा वर्क करेगा, किसी से भी कोई काम ज्यादा कराओगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि जो है आप लोग पॉल्यूशन जो मेजर करते हैं वो पीपीएम में मेजर करते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि सॉल्यूशन में जो है कितना ज्यादा आपका सॉल्यूट मौजूद है। हम यहाँ पे अगर 10^6 यानी कि में निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं पीपीएम कह देते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन जो है इसमें कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं एक और छोटी सी बात बताना यहाँ पे बता देता हूं। एक और होता है मॉलिकुलर मास इक्वल टू 2 times ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, ओके। आपको ये याद रखना कि मॉलिकुलर मास जो होता है 2 times ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। अगर कहीं सेमी नॉर्मल दिख जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिखेंगे सारे टर्म, सेमी नॉर्मल दिख जाए तो आप समझना n/2, बाय नॉर्मल दिख जाए तो आप समझना 2m, डेसी नॉर्मल दिख जाए तो आप समझ जाना n/10। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से अगर जब कहीं आपको दिख जाए तो वहां नॉर्मलिटी सेमी नॉर्मल का मतलब है n/2 दिया हुआ है। क्वार्टनरी दिख जाता, क्वार्टनरी जो है नॉर्मलिटी, तो यानी कि कितना हो जाएगा n/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कई बार सिमिलरली आप मोलारिटी में भी देख सकते हो, मोलारिटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, द राइट ऑप्शन फॉर द CO2 प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ ए दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान सुनो। अच्छा आप लोग ट्राई करोगे क्या, एक मिनट बोलिए, नीट 2023 का क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग मुझे एक मिनट समय देंगे क्या, थोड़ा सा आंख धो लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को
बना लिए। सॉल्व हो गया। चलिए मैं बना देता हूं, मेरी बात जा रही है? बोलिए। यस सर। आप सभी ने देखिए, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो देखिए कहां कहां आप लोगों ने जो है फॉल्ट किया होगा। यहां पे हम सबसे पहले रिएक्शन को लिख देते हैं, सी ए सी ओ थ्री, और यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है 1200 केल्विन। सर ऑप्शन ए आया इसका आंसर। ओके ठीक है, देख लेते हैं हम भी। प्लस सी ओ टू, ठीक है। अब वो कहता है द राइट ऑप्शन फॉर सीओ टू प्रोड्यूस, यानी कि सीओ टू निकालना है ऑफ 20 ग्राम ऑफ प्योर लाइमस्टोन, यानी कि सी ए सीओ थ्री को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। यानी चूना पत्थर कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। यस सर। ओके यस सर। कितना ग्राम दिया हुआ था, 20 ग्राम दिया हुआ था, लेकिन इसमें से प्योर जो है वो कितना है, 20%। तो हमने यहाँ पे 20% निकाल लिया। बेसिकली इसका मास जो दिया हुआ है 4 ग्राम दिया हुआ है, अगर जब यहाँ सॉल्व करते तो कितना आ गया, 4 ग्राम। अब अगर जब 4 ग्राम दिया हुआ है तो यानी कि इसका आपको मास पूछा है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है मोल निकाल लेते हैं। यस सर। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाता है, कैल्शियम का 40, 12 प्लस 48, और ये कितना हो जाता है 100। यहां से कितना आ गया, 0.04 मोल। ओके आपको मैंने बताया था अगर ये एक मोल है तो ये भी कितना मोल होगा, 1 मोल। वेरी गुड, सभी को बोलिए क्योंकि आप बोलोगे तो सीखोगे। मैंने कहा कि अगर ये एक मोल है तो ये भी कितना मोल होगा, एक मोल, तो ये अगर 0.4 मोल है तो कितना हो जाएगा, 0.04 मोल। आपको मास के टर्म में दिया हुआ है आंसर, आपने मोल निकाले थे, आप मोलर मास मास निकाल सकते हो, तो बिल्कुल सर। मोल इक्वल टू गिवन मास एक्स, मोलर मास कितना होता है 44, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 16176, और यहाँ पे कितना है 2 डिजिट के बाद, यानी कि 1.6 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना? बोलिए इस टाइप का देखिए 2020 में आया था। हाँ बोलिए, किसी को देखो, बोलिए किन्हीं को डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, घबराइए मत, क्योंकि आप ही को एग्जाम पेपर देना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन 1 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे कोई, मोलारिटी होता है या मोलारिटी होता है, मोलारिटी। वेरी गुड, हमने कहा था कि एल से जो लिटी आ जाएगा, अगर जो आर होगा तो मोलारिटी, यानी कि बेसिकली मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि इन 1 मोलर, इसका मतलब मैंने बताया था कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी में, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, यही बताया था। यस सर। अब मुझे बताइए कि 0.5 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5 यानी कि 1/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। ठीक है, बोलिए क्लियर है?
यस सर। अब इसका मतलब है कि 0.5 केजी आ रहा होगा। यस सर। अब 0.5 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ग्राम में? 500 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका जो है राइट ऑप्शन बी। क्या आप लोगों को क्लियर समझ में आया? यस सर। अब ये वाला जो है आप मुझे बताइए, नीट 2020 का क्वेश्चन है, आप सभी जो इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एटम उसका ज्यादा होगा जिसका मोल ज्यादा होगा। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो मोल होगा वो किसका ज्यादा होगा? चलिए, अब आपको मैंने ऐसे बताया था कि एक मैं करके दिखाता हूं। यहां पे आप मुझे बताइए कि मोल निकालना है तो मैग्नीशियम का, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? गिवन मास, वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। और मैग्नीशियम का मास कितना है? 24। और यहाँ पे किसका, इसका मोल कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एटम का लेना है क्योंकि यहाँ पे एटम के टर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 1/16। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/7। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/8। अब आपको मैंने कहा था जिसकी वैल्यू नीचे में छोटी होगी उसका मोल ज्यादा होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू तो किसका हो गया? लिथियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि नंबर ऑफ एटम किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसको बनाइए। आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन सा जो है डिपेंड नहीं करता है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर? मोलारिटी। जो वॉल्यूम वाला टर्म होता है वो क्या करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज एंड मोलारिटी, ये सभी के सभी नहीं डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोलारिटी पे डिपेंड करता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैंने बताया था, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। मैं बना दूं क्या? कि बना रहे हैं? बोलिए। सर बना रहे हैं। हाँ ठीक है, बनाइए। मैं इक्वेशन बना दूं क्या? चलिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि कुछ दो चार क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा भी कराने हैं, ठीक है? इसको कंप्लीट करने का मैं यहां पे ले लेता हूं एक्स वाई टू, और इधर साइड ले लेता हूं एक्स थ्री वाई टू ले लेता हूं, ठीक है? अब देखिए क्या दिया हुआ है कि वेन 0.1 मोल, यानी कि जो है एन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.1 मोल। और यहां पे एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.05 मोल, ठीक है? और इसका वेट कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉलिड 10 ग्राम। और इसका कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम। क्या हम इक्वल टू लिख सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास?
मोलर मास तुम्हें पता नहीं है इसका, ना इसका पता है। हमने एक्स को एक्स मान लिया और वाई को वाई मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 इक्वल टू वेट कितना है 10 ग्राम। एक्स को एक्स मान लिया और वाई को वाई मान लिया तो एक्स इक्वल टू 2y। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/0। और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 100। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, तो मोल कितना दिया हुआ है 0.05 इक्वल टू 9 ग्राम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.05। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब दो इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 100, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। हाँ 3x है। अब हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, x में माइनस 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब देखो x की वैल्यू किस में 40 है, तो यानी कि a में तो डायरेक्ट मार सकते थे। अब आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हमारे पास x की वैल्यू 40 है तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से 2y इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। राइट आंसर क्या हो जाएगा, a जो है राइट आंसर। ओके अब ये वाला बनाइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। कह क्या रहा है, कह रहा है कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को 6.022 × 10⁻³ मोल से घटा के हमने कितना कर दिया 6.022 × 10⁻²⁰ मोल इनवर्स कर दिया। अब मुझे बताओ कि इसका कौन सा राइट आंसर है। सिंपल सी बात है कि पहले एक मोल में 6.022 × 10⁻² सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, किन्होंने बताया, अंशिता? यस सर। ओके वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। होगा ध्यान से सुनिएगा, पहले एक मोल में 6.022 × 10⁻²³ होता था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम पार्टिकल्स हो रहा है। जैसे मैं कहूं पहले अगर मैं एक रुपया में 10 टॉफी खरीदता था, ठीक है, अब मैंने क्या करा कि एक रुपया में 5 टॉफी खरीदा और मैं बच्चों को देता, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि मोल पे इफेक्ट पड़ेगा। द मास ऑफ वन मोल क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा आएंगे, इसमें क्या आएंगे, कम आएंगे। इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इफेक्ट पड़ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये वाला बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आया? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अंशिता आपने बताया? यस सर।
कैसे बनाए बेटा? सर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। कैसे नंबर ऑफ मोल निकालोगे? सर गिवन मास दिया हुआ है क्या? सर क्या आपको मास दिया हुआ है क्या? नो सर। आपको दिया हुआ है। W by W का मतलब है वेट बाय वेट। इसका मतलब है H2 और O2 का जो मास का रेशियो है वो 1:4 है। अब हम इसको X मान लेते हैं तो यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा? X इसका मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या हम चाहे तो सिंपली, क्योंकि आगे जाके X कट ही जाना है, तो हम सिंपली इसका मोल निकाल लेते हैं। तो इसका मोल निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 है, मोलर मास कितना है? 2 है। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है मास कितना है? 4 है। और मोलर मास कितना है? 32। ओके, यहाँ से कट कर दीजिए, यानी कि 1 बाय कितना हो गया? 16 हो गया। ये इसका मोल निकल गया। बोलिए यही तो मोल निकलेगा। अब हमें क्या निकलना है? मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या हो जाता है? मोलर रेशियो, यानी कि मोलर रेशियो ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर रेशियो मोलर ऑफ O2, मोलरिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए मोलर इसका कैसे निकालेंगे? 1/2 × 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 1/70 से कर देंगे, यानी कि जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे 1/1000 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, नीचे भी मोलर मास से कितना आ जाएगा? 1/16, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसके लिए कह रहा है मोलर द मिक्सचर ऑफ कंटेन H2O2, यहाँ पे एटम का दिया हुआ है तो हम लोग एटम का ही मास लेंगे, 16 ले लेंगे, ठीक है, 1/16 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? मोल का मास कितना हो जाएगा? 1/2 और ये कट जाएगा 4 से, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? कटाने की गलती कर दी है, यहाँ पे हमारे पास मास कितना है? 4 और डिवाइडेड बाय 32, तो कितना आ जाएगा? 1/8, ठीक है। ओके, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1/2 × 1/8/1 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना आ गया? 4/1, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जब पेपर दोगे संडे संडे को, तो आपको इस टाइप के जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लिख लेते हैं CaCO3। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। बोलिए क्लियर है? अब हमने इसका जो है मोलर मास क्या लिख लिया? 100 ग्राम लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको मोल में निकाल लेते हैं, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपने भी निकाला 100 ग्राम, यानी कि 4 मोल हो गया। अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ, ये क्या निकला? मोल, यानी कि मोल निकल गया, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं? कहोगे हाँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाता है? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गिवन पार्टिकल लिखते थे, डिवाइडेड बाय क्या करते थे? एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है आपको? मोल 4 × 6.022
इनटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23 और 23 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 880.24 बोलिए इनटू 10 टू द पावर 23 ये क्या निकला मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, अब यहां पे हमें जो है मॉलिक्यूल्स निकल गया, हम एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते 20, कार्बन के पास कितने होते 6 होते हैं, ठीक है कार्बन के पास 6 होते हैं, और ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो टोटल कितने 24 तुम्हारे पास कितने हो गए 30 यानी इनटू कितना हो गया 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 24088 इनटू 10 टू द पावर 23 इनटू 50 बोलिए क्लियर है। Yes, sir. मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम लोग क्या कर देते हैं तो 12.088 इंटू 10 टू द पावर 25 और इसी चीज को हम लोग लिख सकते 1.088 इंटू 10 टू द पावर 26 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा बोले सॉल्व कर पाएगा कि नहीं तो घुमा के पूछेगा तो आप लोग जो है इस चीज को सॉल्व कर लेते। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ मिनट एक पेज ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा सिंपल जो है लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूं, मेरे पास CaCO3 में इसका मोल मुझे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल दिया हुआ है और मुझसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन का मोल बताओ तो कैसे निकालेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ हो और आपको ऑक्सीजन का पूछ दिया जाए तो आप देखिए कि ऑक्सीजन कितना है 3 यानी कि 2 कितना हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 मोल हो जाएगी ऑक्सीजन की 6 मोल है। अगर मान लेते हैं कि मुझसे कार्बन का पूछता है तो कितना हो जाता है, ये भी 1 मोल है ये भी 1 मोल के लिए है तो यानी कि कितना मोल हो जाता है 2 मोल। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं H2O में मेरे को ऑक्सीजन का सॉरी मैं हाइड्रोजन का दे देता हूं मेरे पास H2O है और इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल दिया हुआ है, मुझे बताओ कि H2O का मोल कितना होगा। हाफ मोल हो जाएगा क्योंकि H2 का अगर जो H का 1 मोल दिया हुआ है अगर जो 2 मोल होता तो वाटर 1 मोल बनता, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 1 मोल यानी कि कितना बनेगा 0.5 मोल। ओके तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो है दिए रहेंगे। आपके पास एक शीट शेयर किया गया है